तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन का डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए, वो सब कुछ करने से पहले हमें बेसिक कुछ तो मालूम होना चाहिए, ठीक है। यहां पर देखिए, मैंने यहां पर कर्व बनाया, ठीक है। ये कर्व है और इस कर्व पे मैंने दो वेक्टर बनाए, ईटी एंड ईएन, ठीक है। ये दोनों यूनिट वेक्टर है और ईटी जो होगा वो इस कर्व के हमेशा टेंजेंट के अलोंग होगा और जो ईएन होगा वो इस नॉर्मल के अलोंग होगा। मतलब क्या है, टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, बराबर, इतना आपको मालूम है। तो ये ईटी और ईएन के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो ईटी जो है वो टेंजेंट के अलोंग है और जो ईएन है वो नॉर्मल के अलोंग है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी ये ईटी और ईएन की जो डायरेक्शन है वो बदलती रहती है, मतलब उनकी डायरेक्शन जो है ना वो इस थीटा पे डिपेंड करती है, जो थीटा जो इस एक्सिस से बना रही है, ठीक है। तो अभी ईएन इस एंगल से, इस एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। तो अभी ये जैसे जैसे मूव करेगा इन दोनों का ओरिएंटेशन बदल जाएगा, मतलब जैसे अगर थीटा 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो वैसे जैसे जैसे ये मूव करेगा, थीटा बदलेगा, वैसे वैसे इन दोनों का ओरिएंटेशन जो होगा वो चेंज होगा, ठीक है। और अगर ओरिएंटेशन चेंज हो गया उन दोनों वेक्टर्स का, तो जो भी वेक्टोरियल फॉर्म में हम उसका इक्वेशन लिखते हैं वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने यहां पर लिखा है कि लेट्स से पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द कर्व, मतलब ये क्या है, ये आपका पार्टिकल है, ठीक है, जहां पर आपका ईटी और ईएन मिल रहे हैं। तो लेट्स से पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ कर्व, ईटी इज द यूनिट वेक्टर टेंजेंशियल टू द कर्व एंड ईटी ईएन इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है। अभी देखिए, यहां पर जो ईएन है वो इस एंगल से, मतलब इस एक्सिस से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, इस ईटी को, ईएन को उठा करके इस पॉइंट, लेट्स से दिस इज द पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे उठाकर यहां पर रखता हूं, ठीक है। तो जैसे मैं यहां पर उसको उठा के रख दूंगा तो आपको मिल जाएगा कि ईएन और ईटी इन दोनों का एंगल कैसे बन रहा है। ईएन तो कितना एंगल बना रहा था, थीटा, यहां पर भी थीटा, तो यहां पर भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहां पर आप आ जाएगा ईएन इज मेकिंग द एंगल थीटा, ठीक है। और यहां पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ईटी और ईएन के बीच में, वो है 90 डिग्री। तो अगर ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और यहां पर इस एक्सिस के बीच में और इस ये ब्राउन वाले एक्सिस के बीच में और ग्रीन वाले एक्सिस के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो ये बचा हुआ एंगल जो होगा वो हो जाएगा थीटा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ईटी बना रहा है वर्टिकल एक्सिस से थीटा एंगल, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अभी मुझे इतना मालूम है, तो अभी इतने मालूम के इस हिसाब से मैं ईटी और ईएन का जो वेक्टोरियल इक्वेशन है वो कैसे लिखूंगा। तो ईटी को आप लिख सकते हो, ईटी एंड ईएन आर बोथ यूनिट वेक्टर, बराबर, दोनों भी यूनिट वेक्टर है, तो उनका हम वेक्टोरियल इक्वेशन कैसे लिखेंगे। देखिए, ईटी विल बी ईटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो जा रहा है नेगेटिव, बराबर, इस डायरेक्शन में लेफ्टवर्ड, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जा रहा है अपवर्ड, ठीक है। तो मैं वर्टिकल जो अपवर्ड डायरेक्शन है उसको मैं पॉजिटिव मानता हूं, जो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन है उसको नेगेटिव मानता हूं, ठीक है। तो इसके वजह से यहां पर लिख देता हूं उससे, ठीक है, ठीक है। तो ईटी का हम वेक्टोरियल इक्वेशन कैसे लिखेंगे। देखिए, उसका जो एक्स कंपोनेंट है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, बराबर। तो ईटी मतलब क्या है, वन, और उसका क्या है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। आप ये इस तरह से लिखिए, दिस इज द थीटा, दिस इज वन, तो ये एंगल ये कितना होगा और ये कितना होगा, आप खुद ही देखिए, यहां पर आपको दिखेगा दिस इज द साइन थीटा एंड दिस इज द कॉस थीटा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर ये वन है तो, अगर हाइपोटेनस वन है तो ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी देखिए, यहां पर मैंने लिखा माइनस साइन थीटा आई कैप और कॉस थीटा जे कैप, ठीक है। और यहां पर भी इसके दोनों कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में ही है, मतलब जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ईएन का, और जो हॉरिजॉन्टल है वो लेफ्टवर्ड जा रहा है, तो दोनों का भी माइनस माइनस आ जाएगा यहां पर, ठीक है। अभी देखिए, मैंने डिफरेंशिएटिंग ईटी एंड ईएन विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगर मैं करता हूं, तो मुझे ईटी को डिफरेंशिएट करने के बाद इसमें ये इस तरह से मिलता है, ठीक है। तो वो किस तरह से दिखता है, देखिए ईटी का डिफरेंशिएशन किस तरह से दिख रहा है, ईएन के जैसा दिख रहा है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ईटी विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू ईएन, ठीक है, आप खुद करके देखिए, इस ईटी को
थीटा से डिफरेंशिएट करिए तो आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो दिट विल बी इक्वल टू ई एन, और अगर आप ई एन को डिफरेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो आपको जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा विल बी इक्वल टू माइनस ई टी, ठीक है। तो आप खुद करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम सबको मालूम है, अभी देखिए कि हम सबको मालूम है कि v इज इक्वल टू ds बाय dt, बराबर। इतना हम लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो डिफरेंशिएशन ऑफ द पोजीशन होता है, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्टेंस होता है, बराबर। तो अभी देखिए यहां पर ds क्या है, यहां पर एक कोई पॉइंट है, एक कोई पार्टिकल है जो इस कर्व के अलोंग जा रहा है, तो वो इन टाइम dt, dt इस टाइम में, ठीक है, इतने टाइम इंटरवल में वो d थीटा इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है, और उसका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, और उसका जो रेडियस है वो है रो, ठीक है। तो ds कितना हो जाएगा, ds विल बी रो d थीटा, बराबर। आपका क्या होता है कि जो आर्क लेंथ होता है विल बी इक्वल टू रेडियस इन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये आपको मालूम है ना कि आर्क लेंथ विल बी इक्वल टू हमेशा जो रेडियस होता है आर्क का और जो आर्क का एंगल है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहां पर ds विल बी इक्वल टू रो d थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो d थीटा बाय ds विल बी व्हाट, 1 बाय रो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अभी देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है कि वी नो दैट v इज इक्वल टू ds बाय dt, एंड हियर ds इज द लेंथ ऑफ द कर्व कवर्ड इन टाइम इंटरवल dt, ठीक है, एंड इन एंड अ पार्टिकल इज गोइंग थ्रू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा, ठीक है। तो वो जो पार्टिकल है वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है ds, और इन द टाइम dt, एंड उस पार्टिकल ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, वो किया d थीटा, ठीक है। तो उसने टाइम dt इंटरवल में ds डिस्टेंस कवर किया और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा कवर किया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अभी देखिए यहां पर हम इसको कैसे बाद में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं वापस से अपने पहले वाले डायग्राम पे आता हूं, ठीक है। यहां पर आपका जो पार्टिकल है वो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, और उसकी जो भी वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो भी होगी, उसका जो भी डायरेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस कर्व के टेंजेंट के अलोंग ही होगा। और यहां पर इस टेंजेंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ईटी, ठीक है। जो भी वेक्टर ईटी का डायरेक्शन होगा वही आपकी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, क्योंकि ईटी जो है वो उस कर्व को टेंजेंट है, ठीक है। सो आपका जो भी हियर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय, जो v वेक्टर होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो वेक्टर होगा विल बी इक्वल टू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन, बराबर, मैग्नीट्यूड और उसका वेक्टर, वेक्टर कंपोनेंट क्या है। तो यहां पर उस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो है v, और उसका जो भी वेक्टर है, वेक्टर इक्वेशन है, या फिर i कैप j कैप कुछ भी बोल दो उसको, तो वो है et, ठीक है। तो v इनटू उसका डायरेक्शन, तो ये हो गया स्केलर और ये हो गया वेक्टर, ठीक है। तो इक्वल टू वेक्टर हो गया। तो यहां पर v इंटू माइनस साइन आई थीटा कैप प्लस कॉस आई प्लस कॉस थीटा जे कैप, ठीक है। तो ये कहां से आपको मिला, ये आपको मिला यहां से, ठीक है। ये जो आपने इक्वेशन लिखा हुआ है et का, वो इस तरह से आपने लिखा है, ठीक है। सो v इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एज वी नोज दैट a इज द डीवी बाय डीटी होता है, बराबर। आपका जो भी एक्सेलरेशन वेक्टर होता है इज द टाइम रेट ऑफ, मतलब टाइम डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर विल बी इक्वल टू डीवी बाय डीवी वेक्टर, ठीक है। तो अभी यहां पर ए को हम कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर को लिख सकते हैं डी बाय डीटी ऑफ, वी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, वी वेक्टर को लिख सकते हैं इंटू मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड इंटू ईटी। तो यहां पर वी इंटू ईटी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैं इस मैग्नीट्यूड को डिवाइड करता हूं, मतलब डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टी, इनटू ईटी करता हूं। यहां पर मैंने चेन रूल लगाया हुआ है, मतलब सॉरी चेन रूल नहीं, प्रोडक्ट रूल जो है आपका, यहां पर मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया हुआ है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको कॉन्स्टेंट रखें, और बाद में ईटी को डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू टी, एंड वी को कॉन्स्टेंट रखिए। तो जब आप ये करोगे और यहां पर चेन रूल लगाओगे, ठीक है, ये करना बहुत आसान है, इसके बाद में यहां पर चेन रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो डी ई टी, मतलब ई टी को डिफरेंशिएट करो डीटा थीटा से, थीटा को डिफरेंशिएट करो डीएस से, और फिर हमने डीएस को डिफरेंशिएट करो डीटी से, तो आपको मिल जाएगा ये चेन रूल आप लगा रहे हो यहां पर, ठीक है। तो ये कैंसिल हो रहा है वैसे तो वैसे, पर आपको ये लगाना पड़ेगा अगर आपको सॉल्व करना है तो, ठीक है।
तो अप्लाइंग चेन रूल आपने यहां पर देखे डी बाय डी टी तो वैसे का वैसा है, ठीक है, ईटी भी वैसे का वैसा, डी ई टी बाय डी टी था वो क्या आया था, वो आया था आपका यहां पर देखिए, मतलब ईटा ईटी को आप थीटा से डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा ई एन, ठीक है। तो यहां पर इसकी जगह पर मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अगर आप डी थीटा बाय डी एस करते हो तो आपको क्या मिलेगा, वो यहां पर मैंने लिखा है कि डी थीटा बाय डी एस इज इक्वल टू वन बाय रो, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिखोगे, और जो डी एस बाय डी टी है वो क्या है आपका, वो है आपका वी, ठीक है। सो डी एस बाय डी टी इज इक्वल टू वी है, इसलिए आप यहां पर इसको वी लिखोगे, ठीक है। इतना समझ में आया। तो आपको ये ब्रैकेट में क्या मिल रहा है, ब्रैकेट में आपको मिल रहा है ई एन इंटू वन बाय रो इंटू वी, और फिर बाद में ब्रैकेट कंप्लीट फिर से वी, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अभी देखिए आगे क्या करेंगे हम, ठीक है। तो इसी को ही यूज करके आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर वी इंटू वी वी स्क्वायर हो गया, फिर बाद में वन बाय रो इंटू ई एन हो गया, ठीक है। अभी देखिए यहां पर जो डीवी बाय डी टी है ना, डीवी बाय डी टी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और ईटी और ईएन क्या है, ईटी और ईएन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वी स्क्वायर बाय रो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पर आपको एक्सेलरेशन का वेक्टर मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टोरियल इक्वेशन मिल गया। आप एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हो ना, एक्सेलरेशन को आप जब भी लिखोगे तो आप यहां पर हो जाएगा आपका, देखिए एक मिनट, जैसे कि यहां पर मैंने आर बार लिखा हुआ है, ठीक है। आर बार इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप, ठीक है। इसमें आर बार जो है वो इस ओरिजिन को इस पॉइंट 2, 3 से ज्वाइन करने वाला वेक्टर है, ठीक है। तो भी आप यहां पर 2 और 3 जो है ये दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है, और आई कैप और जे कैप आर द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो अभी यहां पर आई कैप और जे कैप ये दोनों वेक्टर है और 2 और 3 ये दोनों स्केलर है। तो जैसे कि यहां पर ये दोनों वेक्टर और ये दोनों स्केलर है, वैसे ही यहां पर डीवी बाय डी टी एंड वी स्क्वायर बाय रो आर द स्केलर क्वांटिटीज एंड ईटी एंड ईए आर द वेक्टर क्वांटिटीज। इतना समझ में आ गया। तो ये ईटी क्या है, ईटी है आपका टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, ठीक है, अलोंग द टेंजेंट, ठीक है। और ईएन क्या है, आपका नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये है टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, ये है नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो ये जो होगा ये टोटल क्या होने वाला है, ये हो जाएगा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन एटी, और ये टोटल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ए एन, ठीक है। तो इसको आप ए एन बोलोगे और इसको हम यहां पर एटी बोलेंगे, ठीक है। सो एटी का जो मैग्नीट्यूड है, एटी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, वो हो गया डी बाई एटी और डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द एस, ठीक है। और ए एन का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वी स्क्वायर बाय रो, ठीक है, और या फिर वन बाय रो डी एस बाय डी टी, ठीक है, क्योंकि वी को आप डी एस बाय डी टी भी लिख सकते हो, ठीक है, ये आपको मालूम है ना, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और यहां पर ए टोटल का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, जैसे कि हमारे ए टोटल इन द एक्स वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से आपका जो भी ए टोटल आया था वो क्या था, वो था एक्स और वाई का एक्सेलरेशन, उनका स्क्वायर, और फिर बाद में उनका सम करेंगे और फिर उन्हें रूट निकालेंगे, ठीक है। तो ये था ये टोटल आप तब लिखोगे जब आपके पास एक्स और ए वाई है, ठीक है। तो आप एक्स और ए वाई होने के बाद, मतलब आपके पास अगर आए, आपके पास है एक्स और ए वाई, तब आप ए टोटल इस तरह से लिखोगे। पर अगर आपके पास ए एक्स और ए वाई नहीं है तो आप कैसे लिखोगे, आपके पास अगर ए एन और ए टी है तो ए एन और ए टी आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर, तो उनका जो भी रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा ए टोटल, ठीक है। तो यहां पर आपका जो भी, लेट्स से दिस इज द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस कर्व, ठीक है, तो ये पार्टिकल आपका इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, और उसका जो भी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन है वो है अलोंग द टेंजेंट, और जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन है वो इज अलोंग द नॉर्मल, ठीक है। तो उसका जो भी रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट विल बी इन दोनों का, ठीक है, एडिशन, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा इसका रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू ए टोटल, ठीक है। सो दिस इज द टोटल एक्सेलरेशन का डिरेक्शन, ठीक है। तो आपका जो भी टोटल एक्सेलरेशन का डिरेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा ए टी और ए एन पे, ठीक है। इसलिए मैंने इस डायग्राम में,
यहां पर मैंने यहां पर जो डायग्राम बनाया था इसमें केवल और केवल v का ही डायरेक्शन बताया था। मैं बोल रहा था कि आपका जो भी टोटल वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इज अलोंग द टेंजेंट, पर जो भी आपका टोटल एक्सेलरेशन होगा वो टेंजेंट के अलोंग नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आपका टोटल वेलोसिटी विल बी अलोंग द टेंजेंट, पर आपका जो टोटल एक्सेलरेशन होगा इट नीड नॉट टू बी अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, वो टेंजेंट के अलोंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आप उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि यहां पर आपका टोटल एक्सेलरेशन इस टेंजेंट के अलोंग नहीं है। ठीक है, पर हाँ आपका टोटल एक्सेलरेशन टेंजेंट के अलोंग कब होगा, वो होगा अगर आपका an इज जीरो है। ठीक है, मतलब आपके सिस्टम में नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन है, तो आपका जो भी टोटल एक्सेलरेशन होगा विल बी अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, पर अगर वैसा नहीं है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन है, तो आपका टोटल एक्सेलरेशन के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते कि वो नॉर्मल के अलोंग होगा या टेंजेंट के अलोंग होगा। ठीक है, लेट्स से दिस थिंग, मतलब जो आपका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, लेट्स से दिस इज अ जीरो। ठीक है, तो आपका नॉर्मल कंपोनेंट ही आपका टोटल एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये जो टोटल एक्सेलरेशन होगा विल बी अलोंग द नॉर्मल इफ आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो है। ठीक है, पर अगर ये दोनों भी प्रेजेंट है तो आप बता नहीं सकते कि आपका टोटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहां पर होगा, आपको वो मैथमेटिकली सॉल्व करके ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां पर ही इस वीडियो को एंड करता हूं। ठीक है, आशा है कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज। ठीक है, तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। इसके बाद मैं और एक वीडियो डालने वाला हूं जो है डेरिवेशन ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, अगर आपके एग्जाम सिलेबस में अगर ये आ रहा है तो प्लीज ये वीडियो देखिए, उसके बाद में जो आएगी डेरिवेशन ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, पर अगर नहीं है तो प्लीज मत देखिए, खामखा आपका टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।